हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निर्माण कामगारों के कार्यस्थल पर व्यवसाय जनित सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य की दशाओं के संबंध में। निर्माण कामगार विभिन्न प्रकार के निर्माणों में लगे रहते हैं। ऐसे निर्माणों में उनके जान का खतरा हमेशा बना रहता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन अधिनियम 1996 तथा बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन नियमावली 2005 के अनुसार कई प्रकार की सुरक्षाएं निर्माण कामगारों को उनके कार्यस्थल पर प्रदान करनी होती हैं। जैसे कि कोई भी नियोजक निर्माण स्थल पर बहरे अथवा कमजोर दृष्टि वाले या ऐसे व्यक्ति को जिन्हें चक्कर आने की शिकायत है उन्हें कार्य पर नियोजित नहीं कर सकता है। कार्यस्थल पर पीने के स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था करनी है तथा पीने के जहां पानी की व्यवस्था है वहां पेयजल लिखना है। कामगारों के लिए निर्माण स्थल पर शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था करनी है। महिला एवं पुरुष कामगारों के लिए अलग अलग शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक 25 महिला एवं प्रत्येक 25 पुरुष कामगार पर क्रमशः एक एक स्वच्छ शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था करनी है। निर्माण स्थल पर कामगारों को रसोई घर, स्नानागार तथा शौचालय की व्यवस्था से युक्त निःशुल्क अस्थायी आवास की व्यवस्था भी करनी है। जब निर्माण का कार्य समाप्त हो जाए तो इन अस्थायी आवासों को डिस्पोज किया जाना है। निर्माण स्थल पर प्राथमिक उपचार, आपातकालीन उपचार, इन सभी की सुविधा करनी है। यदि 500 या उससे अधिक कामगार निर्माण स्थल पर कार्य करते हैं तो योग्य नर्स के साथ एम्बुलेंस कमरे की व्यवस्था करनी है। साथ ही साथ मानक सुविधाओं के साथ सुसज्जित एम्बुलेंस वैन की भी व्यवस्था कार्यस्थल पर करनी है। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए स्ट्रेचर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। निर्माण स्थल पर 250 से अधिक कामगार के कार्यरत होने पर उनके उपयोग के लिए स्वच्छ एवं साफ सुथरा कैंटीन की व्यवस्था की जानी है, जहां वह बैठ करके अपना भोजन कर सकते हैं। किसी भी निर्माण स्थल पर 115 डेसिबल से अधिक का यदि शोर है तो निर्माण कामगारों को उनके कान की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग या अन्य कोई संरक्षण प्रदान करना है। कार्यस्थल पर अग्नि से सुरक्षा के लिए अग्निशामक उपस्कर एवं उसको प्रचालित करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति को नियुक्त करना आवश्यक है। इन अग्निशामक उपस्करों की जांच वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। यदि निर्माण स्थल पर 500 से अधिक कामगार हैं तो आग लगने, लिफ्ट टूटने, भवन या कोई अन्य संरचना के ढहने, गैस रिसाव या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए आपातकालीन निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट प्लान भी बना होना चाहिए। निर्माण स्थल पर किसी भी प्रकार का मोटर या किसी भी प्रकार का चालित यंत्र को घेराबंदी और बाड़ लगाकर सुरक्षित करना है। फिसलन, विदारण, व्यवधान, डूबने और गिरने जैसे परिसंकटों से बचाव के लिए समुचित सुरक्षा के उपाय किए जाने हैं। कार्य के दौरान किसी भी वयस्क पुरुष से 55 किलोग्राम, वयस्क स्त्री एवं कुमार से 30 किलोग्राम तथा कुमारी स्त्री से 20 किलोग्राम से अधिक के वजन का उठाव नहीं किया जाना है। 50 या इससे अधिक कामगार के कार्यरत रहने पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण की नीति का अनुमोदन मुख्य निरीक्षक से लेना है एवं कामगारों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों और अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण का समुचित इंतजाम करना है। कार्यस्थल पर निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हेलमेट, वाटरप्रूफ जूते, कोट, दस्ताना, सुरक्षा बेल्ट, ईयर प्लग, चश्मा आदि की व्यवस्था करनी है। निर्माण स्थल के प्रवेश, निकास, गलियारों, सीढ़ियों आदि स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी है ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। कार्य की दशाओं को विनियमित करने के लिए भी कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। किसी भी कामगार से विश्राम अंतराल सहित दैनिक 9 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है। 9 घंटे से अधिक कार्य लेने की स्थिति में उस कार्य को ओवरटाइम माना जाएगा और अतिकाल दर से, यानी कि जो सामान्य मजदूरी की दर होगी उससे दुगुनी दर से मजदूरी का भुगतान करना होगा। निर्माण स्थल पर मजदूरी की दर, काल अवधि,
मजदूरी भुगतान का तरीका, निरीक्षकों के नाम, पते आदि की सूचना को प्रदर्शित करना नियोजक का दायित्व है। साथ ही नियोजक मास्टर रोल, मजदूरी पंजी, कटौती पंजी, अग्रिम पंजी, ओवरटाइम पंजी एवं सेवा प्रमाण पत्रों का भी संधारण करेंगे। उम्मीद है कि हमारे निर्माण कामगार भाई बहन अपने इन अधिकारों के बारे में आज जान चुके हैं। तो आइए अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए और अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद।